सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड प्लस के बारे में। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सैमसंग गैलेक्सी जेड प्लस क्या हुआ है, सैमसंग ने तो J4 प्लस और J6 प्लस लॉन्च कर दिया, लेकिन जेड प्लस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि देखिए, सैमसंग ने लगभग मई के मंथ में लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी J4, J6 और J8। हालांकि J4 प्लस और J6 प्लस आ गया, लेकिन अभी तक सैमसंग गैलेक्सी J8 प्लस नहीं आया है। तो कब आएगा, कैसा होगा, क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी J8 प्लस में, वो सभी बात आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बोल देता हूँ कि शायद जो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस है और J6 प्लस है, वो सैमसंग के J सीरीज का लास्ट स्मार्टफोन हो सकता है, और ये शायद है भी। जहाँ तक पता चल रहा है कि आप सैमसंग कोई भी स्मार्टफोन अपने जे सीरीज में लॉन्च नहीं करने वाला है, वो अब एक नया सीरीज लाएगा और तब तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है वो सभी ए सीरीज के स्मार्टफोन होंगे और ना जे सीरीज में कोई भी वो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जहाँ तक अभी पता चली है। लेकिन J8 प्लस क्या हुआ है कि बहुत दिनों से हमें लीक्स में आ रही थी कि इसमें आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा, ये प्रोसेसर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो J8 प्लस अभी तक डाउट में है कि ये फ़ोन आएगा या फिर नहीं आएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद आपको ये फ़ोन अगर आता भी है इंडिया में तो शायद अलग नाम से वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि जे सीरीज शायद अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जहाँ तक मेरा मानना है। और जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो भी बोल रहे हैं कि J8 मतलब जे सीरीज का लास्ट स्मार्टफोन है सैमसंग का J4 प्लस और J6 प्लस। इसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाया था जे सीरीज ख़त्म होने के ऊपर, तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो J8 प्लस आएगा तो उतना अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरह से आप लोगों ने देखा J6 से J6 प्लस में उतना अपग्रेड तो है नहीं, बल्कि सिर्फ ग्लास फिनिश दे दिया गया जो कि हार्ड प्लास्टिक ही है, तो एक देखने में थोड़ा अलग लगता है और चिपसेट भी उतना खास है नहीं। तो J8 प्लस में भी आपको उतना अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा डाउनग्रेड ही होगा, शायद डुअल कैमरा हो सकते हैं, प्रोसेसर भी वही रहेगा या फिर थोड़ा डाउन ही होगा, क्योंकि अगर हाई देगा तो फिर सैमसंग का J8 कौन लेगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा तो यार उस फ़ोन का वेट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, इससे अच्छा आप वेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A6s का या फिर सैमसंग गैलेक्सी P30 का। अब वो दोनों ही फ़ोन एक ही नाम से आते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से आते हैं, ये तो फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन J8 प्लस शायद अब नहीं आएगा जहाँ तक मानना है, और जे सीरीज में आप कोई भी स्मार्टफोन नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि पूरी तरह से सैमसंग का जे सीरीज अब लगभग ख़त्म हो ही गया है जहाँ तक मानना है। देखते हैं क्या होता है। नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के पहुंच जाए, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू सो मच।